इसका नाम? स्नेहा। इसका नाम? समीर। तुम्हारा नाम? सुमैया। तुम्हारे पापा का नाम? क्या कर रही हो? एंगेजमेंट कर लिया तो बाप को भूल गई। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कभी किसी को हिप्नोटाइज होते हुए देखा है या हुआ है? नहीं, कोई मैंने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। ओके, जनरली होता क्या है ना कि जिस जिन लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है और जिनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, एक्चुअली वो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और हिप्नोटाइज एक ऐसी कंडीशन है ना, अगर मैंने आपको हिप्नोटाइज किया या आपको हिप्नोटाइज किया तो यू नो आपका कॉन्सेंट्रेशन और माइंड जो व्हील है वो बहुत बढ़ जाती है। तो किसी को होना है? आपको सही में होना है। लेट्स ट्राई। ओके, आपकी एंगेजमेंट हो गई थी ना? हाँ। तो शादी कर मैंने भी अपनी एक्स को ऐसे ही बोला था। कट गया फिर? नहीं नहीं बीच में बच्चा हो गया था। मजाक कर रहा हूँ। ओके, यू नो ऐसे कंफर्टेबली खड़ी हो जाओ, ठीक है? बच्चे वाली बात सही नहीं है, ठीक है? मेरा काम है कपल्स को मोटिवेट करना, है ना? ओके, नहीं ये देखो, हाथों को है ना, इवन बॉडी को, हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ दो, सारे मसल्स को रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है? सर ऐसे इमेजिन करो कि पूरी बॉडी है ना अपने आप मूव होती है इस तरीके से, जैसे मैं अपने आप मूव होता हूँ। पता है ये मूव इधर देखती रहो, पता है ऐसा मूवमेंट क्यों आता है? क्योंकि हवा इधर की है, ठीक है? ओके सॉरी। ओके कोई नहीं, बस है ना पीछे पीछे लग रहा है, बट वेट, ऐसे 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 मूव करो इजीली, थोड़ा सा है ना एकदम लूज, ये अपने आप हाथ है ना डाउन हो जाना चाहिए, इतना लूज, ठीक है? ठीक है, अपने आप डाउन होने दो, यू नो मसल परफेक्ट, बहुत परफेक्ट, हाथ को एकदम कंफर्टेबल है, लूज है, बॉडी एकदम लूज नॉर्मल, ठीक है? अभी थोड़ा सा पैर पास में कर लो, अपना हाथ देखा, यू नो, और अपनी आंखें बंद करो, सिर्फ इमेजिन करो कि जो तुम्हारी आंखों से है ना यहाँ पे देखने की कोशिश करो, आंखें बंद रखना, सिर्फ अपने माइंड को है ना यहाँ पे लॉक करने की कोशिश करो इस पॉइंट पे, ठीक है? लॉक करने की कोशिश करो, यू नो इसमें देख रही होगी कि तुम चाह के भी अपनी पलके नहीं झपका पा रही होगी या पलके हिला नहीं पा रही होगी या आंखें खोल नहीं पा रही होगी, और अपनी आंखें ट्राई करोगी ना तुम खोलने की तो भी तुम अपनी आंखें नहीं खोल पाओगी, आंखें खोलने की ट्राई करो, इवन जितना तुम कोशिश करोगे उतना ही वो मुश्किल होता जाएगा। देखो देखो आंखें खुल रही, इसी पॉइंट पे फोकस करती रहना, लेकिन ठीक है हो रही है, खुल रही है, बोल सकती हो तो नहीं नहीं खुल रही, बट तुम ट्राई कर रही हो, राइट? बट वो खुल नहीं रही है, बट वेट, बॉडी को रिलैक्स रखो, आंखों को बंद रखो, और जब मैं 10 तक गुनूंगा ना उसके ऊपर फोकस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बॉडी को ऐसे ही रिलैक्स रहना और मेरी बातों पे ध्यान देते रहना, रेडी? जैसे जैसे तुमको समुद्र की लहरें फील होती रहेंगी, वैसे वैसे जैसा तुम अभी फील कर रही हो उससे 10 गुना बेटर फील करोगी, इवन तुम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगी। और सुमैया मैं जब 3 बोलूँगा सिर्फ अपनी आँखें खोलनी है, ठीक है? 1 2 3 आँखें खोलो। मुझे पता है थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यू नो क्योंकि हम लोग थोड़ा धूप में खड़े हैं और आँखें तुमने बंद रखी हुई थी, अभी खोली हुई है, परफेक्ट। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो सुमैया, मैं यहाँ से ना एक थॉट निकाल रहा हूँ तुम्हारी माइंड से और इसको मैं इस तरीके से टॉस कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो? सिर्फ सोचो, वेट वेट सोचो, सिर्फ सोचो। सोच लिया? ये ना जनरली इसने अभी बताया कि इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, राइट? आई थिंक तुम सबसे ज़्यादा प्यार है ना अपने डैड से करती हो, ठीक है? बट मालूम है अभी मैंने यहाँ से ऐसा कुछ टॉस किया था, है ना, आपके माइंड से कुछ निकाला और इधर टॉस किया, वो नाम था जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, और तुम सबसे ज़्यादा प्यार अगर अपने डैड से करती हो तो मैंने अभी तुम्हारे माइंड से उनका नाम निकाल के उधर थ्रो किया है, समझ रही हो? तुमको सब कुछ याद है उनके बारे में, हर चीज़, सिर्फ तुम इस समय अपने माइंड से एक चीज़ खुली हो, वो है उनका नाम। सुमैया तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, उनका नाम क्या बताओ, ट्राई करो, पापा का नाम यार। बोलना नहीं है आपको, पता है नाम, अगर पता है तो बोलना नहीं है, बस नाम। वेट, और कुछ अच्छा तुम्हारा नाम क्या है?
सुमैया। इसका नाम क्या? स्नेहा। इसका नाम क्या? शोएब। हाँ शोएब। ओके समीर बोला था समीर। ओके शोएब समीर ओके हो सकता है उन्होंने कुछ। ओके तो सुमैया आपकी मम्मी का नाम क्या है? रिजवाना। रिजवाना आपके पापा का नाम क्या? ओके देखो तुम उनके साथ है ना कितने सालों से रह रही हो, तुम्हारा ये नाम किसने रखा था? मेरे डैड ने। तुम्हारे डैड ने? हाँ। उनका नाम क्या है? सुमैया से मिलता जुलता कोई नाम है? नहीं ना। नहीं, नहीं है। इसका नाम? स्नेहा। इसका नाम? समीर। तुम्हारा नाम? सुमैया। तुम्हारे पापा का नाम? क्या कर रही हो, एंगेजमेंट कर लिया तो बाप को भूल गई? ऐसा तो नहीं हुआ। ओके इधर हाथ देखा, बॉडी को हाथ को रिलैक्स कर लो, इधर देखती रहो, इधर देखती रहो। सो भैया जब मैं स्लीप बोलूंगा आंखें बंद करनी है, बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है? और इधर देखती रहना, रेडी नाउ स्लीप। बढ़िया, बॉडी को रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। जब मैं थ्री तक काउंट करूंगा तुम ट्रांस से बाहर आ जाओगी। इवन तुम जितना डीपली तुम ट्रांस में जा सकती हो उससे भी कॉन्फिडेंट के साथ तुम अब बाहर आओगी। इवन तुम जितना बेटर अभी तक फील करती है उससे भी 10 times ज़्यादा बेटर फील करोगी। और तुम्हारे पापा का नाम तुमको वापस आ जाएगा, तुम्हारे माइंड में वापस आ जाएगा, राइट? तुम मेरी बात सुन रही हो? रेडी, मैं 3 तक काउंट करूँगा, उसके बाद याद, उसके बाद आँखें खोलनी है, ठीक है? याद रखना, 1 2 3 आँखें खोलो। अभी सही लग रहा है? वैसे ही लग रहा है कि सही लग रहा है? मच बेटर, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, राइट? और कैसा फील, कैसा हो रहा है? अलग ही ब्लैकआउट हो गई थी, ऐसा लगा था अलग ही जोन में थी। अलग ही जोन में फील हो रहा था। हाँ। इसका नाम क्या है? स्नेहा। इसका नाम क्या? समीर। तुम्हारे मम्मी का नाम क्या? रिजवाना। तुम्हारे पापा का नाम? राशिद। राशिद। ओ ओ अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करना चाहते तो उसका मेन रूल ये है कि सामने वाले को ना आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपके ऊपर यकीन होना चाहिए, और सामने वाला कहीं ना कहीं आपको पसंद करता होना चाहिए एज अ पर्सन। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि you know, और एक चीज़ आप और समझने की कोशिश करिए कि किसी को ये मत बताइए या चैलेंजिंग वे में मत बताइए कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर दूंगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उल्टा आप उनको हिप्नोटाइज के फ़ायदे बताइए और ये बताइए उनको कि you know, हम उन्हीं को हिप्नोटाइज कर सकते हैं जिनकी इमेजिनेशन और जिनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है। और आप देखिए आप किसी को भी हिप्नोटाइज बहुत इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।